Vegetables noodles is a healthy Chinese inspired dish where cooked noodles are stir fried with lots of vegetables. Further, the dish is seasoned with a splash of sauce vinegar to up the taste and flavor. The beauty of this dish is that there is no big ingredients except cutting and chopping the vegetables. So let's get started. Hello everyone, I am Urmila and welcome back to my channel Grill for Life. Today I am going to prepare veg chili garlic noodles, which is liked by everyone, in a very quick and easy way. Here are the ingredients. इसके लिए मैंने वेज हक्का नूडल्स लिया है. आप कोई भी नूडल्स ले सकते हैं, मुझे ये वाला ही पसंद है. तो ये चिंग्स का है. इसके साथ ही मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, सारा कुछ स्लाइस्ड कटा हुआ है. थोड़े से कैरेट, एक कैरेट को मैंने अच्छे से स्लाइस कर लिया है. वन कैप्सिकम को स्लाइस कर लिया है. देखिए बिल्कुल ऐसे स्लाइस्ड होने चाहिए, थोड़े से थिन कटे होने चाहिए. थोड़े से बीन्स लिया है, थोड़ा सा कैप्सिकम तो ले लिया है, कैबेज लिया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा मेरे पास ये स्प्रिंग अनियन भी था तो वो भी मैंने ले लिया है. और ये मेरे गार्डन का ही है. और इसके साथ मैंने गार्लिक के क्लोव को भी स्लाइस काट लिया है, और टू ग्रीन चिली, साथ में बहुत सारा अनियन. और इसके साथ कुछ सॉसेस यूज होंगे, तो ये सेजवान सॉस है, चिली सॉस, और ये टोमेटो सॉस. इसके साथ सेजवान का मसाला लिया है. ये एक्चुअली मुझे ऐड करना बहुत पसंद है. 2 स्पून अगर आप डाल दे तो इससे इसका फ्लेवर और लुक दोनों अच्छा आता है. साथ में थोड़ा सा सॉल्ट और सोया सॉस प्लस विनेगर. इसके साथ ही मैं बहुत इजी तरीके से आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ. देखिए मेरा वाटर बॉईल हो गया है. आप वाटर को अच्छे से बॉईल कर ले और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दे ताकि ये स्टिकी ना हो बिल्कुल. और ये स्टेप बहुत मस्ट भी है. इसके साथ ही नूडल्स ऐड कर दे. ये पतले वाले नूडल्स है, बहुत मोटे वाले नहीं है, तो आप कोई भी ब्रांड का नूडल्स ऐड कर सकते हैं. अब इसे 80% ही कुक करना है, बिल्कुल 100% ओवर कुक ना करें, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड रहता है तभी अच्छा लगता है, और जरा सा भी ओवर कुक हो गया तो फिर इसका टेस्ट बेकार हो जाता है. तो मैं बस इसे बॉइल करती हूँ. ये देखिए मेरा चाउमीन बिल्कुल रेडी है. आप इसे 80% ही कुक करें, मैंने पहले भी बोला था. तो बस मैं इसका सारा वाटर स्ट्रेन कर लूंगी. मैंने एक स्ट्रेनर लगा रखा है, मैंने स्ट्रेन कर लिया है इसका हॉट वाटर. अब मैं इसे कोल्ड वाटर से अच्छे से वॉश करूंगी. इससे ये बिल्कुल स्टिकी नहीं होता है और सारे अलग अलग हो जाते हैं चाउमीन. आप एटलीस्ट 2 टाइम्स इसे अच्छे से वॉश कर लें. बिल्कुल भी स्टार्च नहीं रहना चाहिए वरना ये अच्छे से कुक नहीं हो पाता है. ये देखिए अब मैं नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ. मैंने इसके लिए ये बड़े वाली लोहे की कढ़ाई चढ़ा दी है. एक्चुअली हमारे घर में हमेशा चाइनीज पीसेस बनते रहते हैं, तो मैंने ये वाला कढ़ाई ले लिया. आप किसी भी बर्तन के शॉप से या लोहार के शॉप से ले सकते हैं. अब मैं जो स्टेप दिखा रही हूँ ये मुझे बहुत पसंद है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं. मैंने जो बॉईल किया था चाउमीन, इसे मैं 1 मिनट तक इसमें फ्राई करूंगी. इससे इसका टेक्स्चर और टेस्ट दोनों एनहांस हो जाता है, तो मैं इसे बस 1 मिनट में फ्राई करूंगी. देखिए कितनी खिले खिले बना है, बिल्कुल स्टिकी नहीं है. तो मैं इसे बस 1 मिनट इसमें चला लूंगी. अब मैं वेजेस फ्राई कर दूंगी. इस बड़े से पैन का यही फायदा है कि इसमें आप कुछ भी बहुत फास्ट कुक कर सकते हैं और अच्छे से फैला के कुक कर सकते हैं. देखिए क्या मस्त हो, बिल्कुल स्टिक भी नहीं हो रहा है. अब मैं इसे निकाल लूंगी. ये देखिए कितने खिले खिले बने हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटा है और स्टिकी भी नहीं है. अब मैंने वापस से वही पैन चढ़ा दिया और इसमें मैं ऑयल ऐड करूंगी. ऑयल को चारों तरफ से स्प्रेड करना होता है.
मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है और इसमें मैं सबसे पहले ये गार्लिक डालूंगी और ग्रीन चिली। इसका गार्लिक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये बस 3 मिनट का डिश है, बस हमें ज़्यादा ये सब कुछ फ्राई नहीं करना होता है, बस क्रंची रखना होता है। और ये पूरा डिश हाई फ्लेम पे ही बनेगा और मैं सारे वेजेज एक साथ ही डाल दूंगी। आपके पास अगर 1-2 वेजेज नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप 1-2 वेजेज अगर कम हो तो आप बिना उसमें भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए ये मिक्स वेज का क्या मस्त कलर आया है, सारे वेजेज क्या खिले खिले लग रहे हैं। और मैं एक चीज बोलूंगी कि इतना अजीनोमोटो भी ऐड होता है, रेस्टोरेंट वगैरह में तो डालते हैं, बट हमें डॉक्टर ने बोला है अजीनोमोटो इज नॉट अ गुड थिंग, सो आई डोंट यूज। तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप भी घर पे ना यूज करें, बिल्कुल इसे ऐसे सॉटे करना है हाई फ्लेम पे। देखिए मेरे वेजेस पूरे क्रंची हो गए, मुझे बस 1 मिनट ही हुआ है इसे फ्राई करते हुए और मैंने बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसे कुक किया है और ये क्रंची रहता है, ओवर कुक ना करें। इसके साथ मैं इस वेजेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी, वैसे सॉसेस में तो सॉल्ट होते ही है, इस चीज पे मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी, साथ में ये सेजवान मसाला 1 टेबल स्पून भर के, और इसे बस मैं ऐसे मिक्स कर दूंगी। अब 1 टेबल स्पून सोया सॉस, मैंने 3 टेबल स्पून के लिए थे नूडल्स के, तो मैं उसके हिसाब से 1 स्पून डाल रही हूँ और 1 स्पून विनेगर, टमाटो सॉस। आप चाहे तो एक बार सॉसेस स्किप करके भी बना सकते हैं। एक बार मैंने रेस्टोरेंट में खाया था तो बिल्कुल ऑयल था बट थोड़ा टेस्ट था, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है इसकी, बिल्कुल लग रहा है कि चाइनीज चीज है। देखिए बिल्कुल एक दूसरे से ये नहीं चिपक रहा, बिल्कुल खुला खुला बना हुआ है। अब बस इसे 1-2 मिनट तक अच्छे से कुक करें। ऐसा होता है कि कई बार आप इसे अच्छे से मिक्स नहीं कर पाते हैं, तो मैंने एक फोक लिया है, थोड़ा बिग साइज का फोक है, आप इसे ऐसे ऐसे उछालते हुए अच्छे से सॉटे कर ले। ये देखिए बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बिल्कुल खुला खुला बना है। अब सारा कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है, देखिए अब मेरा नूडल्स बिल्कुल रेडी है, इट्स रेडी टू सर्व और मैं सर्व करके दिखाती हूँ। नाउ माई वेज चिली गार्लिक नूडल्स इज रेडी टू सर्व। देखिए क्या मस्त टेक्सचर है एंड लुक भी, लुक देख के ही खाने का मन कर रहा है। और मेरी डॉटर को इस बैट में खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इस बैट में उसके लिए सर्व किया है। और इसमें मैं बस थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन ऊपर से स्प्रिंकल कर दूंगी फॉर गार्निशिंग पर्पस। ये देखिए, और मैंने सॉस भी रखा है, इस सॉस के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। और देखिए सिर्फ 5 मिनट में मेरा नूडल्स बन गया, तो आप भी आलस ना करें, इसे बनाने का ट्राई करें और मुझे फीडबैक में जरूर बताना। देखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड, आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।